नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं तिरुत लाइव न्यूज। अभी हम गंदाहा प्रखंड के कुलपुर पंचायत अंतर्गत हनुमान मंदिर पे है, चकपतर में है, और यहाँ पे ग्रामीण भी है, एक दरोगा मतलब बने हैं, उन्हीं के मतलब वही जो है आज लड्डू और मतलब जहाँ पूजा अर्चना किए हैं, और यहाँ पे ग्रामीण और स्थानीय लोग भी हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज कैसा लग रहा है। और ये लोग जो आए हैं तो इनको गाँव के समाज के जो दरोगा बने हैं मतलब भतीजा बेटा जो भी हो, इनको आज कैसा अंदर से महसूस हो रहा है और कैसा गौर भाई उनके ऊपर उनसे जानते हैं और बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र से। आपका घर कहाँ हुआ? ये जो आज दरोगा जो बने हैं उनको मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, खुशी महसूस हो रहा है। तो आप ये बताइए कि मतलब अपने समाज में जो ऐसे मतलब जो विकास हो रहा है जिसमें आप क्या क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, विकास होना जरूरी है। और ये बताइए कि मतलब जो तैयारी कर रहा है उसके लिए आप मतलब क्या करना चाहते हैं? जो अभी तैयारी में जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा तैयारी करें, भविष्य अच्छा हो उसका भी। निकल गया और आयोजन के साथ बात नहीं मारे। और मतलब यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? गोद कुमार सिंह। बताइए कि आपके समाज के लड़का आज दरोगा बना है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यही कहेंगे नौजवान से गार्जियन के साथ फांसी नहीं मारे, नीरज कुमार जी से मेहनत करके आगे की रास्ता तय करें। बिल्कुल इनका कहना एकदम सही है कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल मीठा होता है। आप जानते हैं कि मतलब मेहनत करने के बाद मतलब ये किसान के मतलब लड़के होते हुए इतने मतलब मुकाम इतने अच्छा मतलब मुकाम हासिल किए हैं, इनके लिए खुशी की बात और क्या हो सकता है। मतलब पूरे समाज के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और सभी के अंदर में मतलब खुशी है। और देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे प्रसाद भी बांटा गया है और भी यहाँ पे मतलब युवा साथी उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। नीरज कुमार जो आज दरोगा बने हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, दरोगा बने हैं अब सही है, खुशी की बात है, हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भाई थे अपने। आप ये बताइए जो मतलब अभी तैयारी जो कर रही है कंपटीशन के जो कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़े लिखे, सब एक न एक दिन सब कामयाब होगा, सब मेहनत करें। और ये बताइए मतलब अभी आपके जो मतलब पढ़ाई जो अनुशासन क्या चल रहा था? पढ़ाई तो अच्छा चल रहा था, तभी तो आज दरोगा बने हैं, अच्छा से तैयारी की है, मेहनत की है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लड़का ठीक है, दरोगा बना है, मेहनत किया है, समाज के लिए उन्नति का काम किया है, समाज में उसका वैल्यू बनिया बना है, सरकारी नौकरी करने से पढ़ाई लिखे करता आगे बढ़ेगा और क्या। तो आपको इस पर गर्व महसूस हो रहा है मतलब आज हमारे समाज के मतलब जो नीरज कुमार जी जो है मतलब आज दरोगा बने हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी मतलब कहीं उम्मीद है कि मतलब हम तैयारी करें तो हमको भी सरकारी जॉब होगा? ना, हम तैयारी छोड़ दिए। और यहाँ पे और भी मतलब ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। आप ये बताइए कि नीरज कुमार दरोगा बने हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम नीरज जी को धन्यवाद देते हैं कि वो एक जॉब करते हुए और फिर ऐसा ही दरोगा बन चुके हैं, तो इससे ये होता है कि समाज में जितने भी युवा वर्ग तैयारी में जुटे हुए हैं उनको एक गौरवान्वित महसूस होगा कि जॉब आवर में भी तैयारी की जा सकती है और सफलता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल जी हाँ, दूसरे के लिए मतलब ये संदेश है कि आप मतलब जो सोच लीजिएगा आपके लिए सब संभव है। एक नौकरी करते हुए और दूसरी नौकरी मतलब पाना बहुत मुश्किल की बात होती है, और इन्होंने मतलब ये संदेश मतलब सभी के लिए मतलब लाए हैं नीरज कुमार की। मतलब देखिए एक जॉब करते हुए और दूसरी मतलब जो है एसआई भी बन चुके हैं। इनका पंकज जी का कहना बिल्कुल सही है कि एक नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और वहाँ से ही इनकी जीत हासिल हुई है। और आप ये बताइए कि आपके गांव समाज में ऐसे कितने मतलब युवा वर्ग के लोग हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? अभी कुल मिला के लगभग 50-60 युवा जो हैं और कुछ लड़कियां भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं, और उनको भी जब पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी ना अपने आप सफलता हासिल लगेगी। पहले तो तैयारी में पूरा जुटना होगा मन लगा के और क्या सफलता हासिल होगी। बिल्कुल इनका सही कहना है। और भी ग्रामीण उनसे बात करेंगे, जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ?
आप ही बताइए कि नीरज कुमार को आप जानते हैं? जानते हैं, मेरा दोस्त। आप ही बताइए आज दरोगा बने आपको कैसा लग रहा है? खुशी मिला है। बताइए इनके सभी के अंदर जो है ना खुशी का लहर जो है दौड़ गया है, और आप देख सकते हैं कि अभी शिव मंदिर परिसर में है, चकपते हनुमान मंदिर के परिसर में है, और यहाँ पे सभी ग्रामीण आए हुए थे, मतलब पूजा अर्चना हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो दरोगा बने नीरज कुमार जी वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे, अभी जानेंगे। आप ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। आप ये बताइए आज दरोगा बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। ये बताइए कि सर मतलब आप जो दरोगा बने हैं तो और भी जो तैयारी कर रही है कंपनी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका भी कहना है कि मतलब जो मेहनत से तैयारी करेगा उनको मतलब जीत होना ही है। और ये बताइए कि मतलब आप जो है मतलब परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तीन बहन तीन भाई पापा है। और बताइए कि मतलब आप कहाँ पे तैयारी किए थे? हम तो अभी जॉब कर रहे थे रेलवे छुट्टी में, वहीं पर तैयारी किए थे, जॉब करते हुए। देखिए कितनी खुशी के बाद एक जॉब करते हुए और दूसरी मतलब कंपटीशन की तैयारी करके मतलब ये मुकाम तक पहुंच गए हैं, इससे खुशी की मतलब ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। बताइए एक जॉब करने के बाद भी ये मतलब आज दरोगा बन गए हैं और मतलब नौकरी में ही नौकरियाबर में ही मतलब अपना तैयारी किए हैं, और भी यहाँ पे अन्य लोग। अभी हम नीरज जी के मतलब दरवाजे पे हैं और यहाँ पे जो एक ग्रामीण डॉक्टर हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नीरज जी दरोगा बने हैं तो इनको कैसा लग रहा है। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सकल जोशी हुआ, ग्राम बसतपुर। आप ये बताइए कि नीरज जी जब मतलब दरोगा बने हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नीरज जी को हमारे तरफ से कोटी कोटि धन्यवाद देता हूँ, और मैं भी गर्व है, मैंने किसान परिवार से उठ के और देहाती क्षेत्र में पढ़ लिख के और यहाँ तक के मुकाम को प्राप्त किए हैं, तो बहुत बहुत खुश हैं, बहुत बहुत हार्दिक उसको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए इनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से रहकर और इस मुकाम को मतलब हासिल किए हैं, और इससे खुशी की बात ज़्यादा क्या हो सकती है। और उनके पिताजी भी हैं, उनसे हम ज़्यादा नहीं दो शब्द बात करेंगे और जानेंगे कि मतलब कैसे तैयारी किए थे और कहाँ पे रह के, और मतलब आज इनका कैसा महसूस हो रहा है, इनको कैसा महसूस हो रहा है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइए सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद सिंह। ये बताइए कि नीरज कुमार दरोगा बने हैं, आपको जो मतलब पुत्र है मतलब क्या नंबर पुत्र है, मतलब ये जो है मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं और आपको आज कैसा लग रहा है? कोई भी गार्जियन के लिए लड़का अगर सेट हो जाता है तो उससे बड़ी उपलब्धि कोई चीज नहीं, कोई भी माँ बाप। देखिए इनका कहना है कि मतलब किसी भी मतलब जो मतलब अभिभावक है अगर वो मेहनत करेंगे या उस मुकाम तक मतलब हासिल सफलता की मतलब हासिल होना ही है, इनका कहना ये है। और भी यहाँ पे जो SI जो बने हैं नीरज कुमार, उनके छोटे भाई हैं निखिल कुमार, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? निखिल कुमार। आप ये बताइए कि आपके भैया दरोगा बने हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। इनका कहना कि मतलब इनको भी मतलब खुशी हो रहा है कि हमारे परिवार में हमारे मतलब भैया जो है आज दरोगा बने हैं। और ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? तीन भाई और तीन बहन। आप ये बताइए जो भैया दरोगा बने हैं वो कितने नंबर पे आते हैं? चार नंबर पे। और आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं। और बड़े भैया क्या करते हैं? बड़े भैया अभी करते हैं। देखिए मतलब और ये कहना है मतलब देखिए कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र से इस मुकाम तक आना मतलब, और ये बताइए कि जैसे मैंने इससे पहले हम बात किए थे नीरज जी से, वो बोले कि मतलब इससे पहले हम दूसरा जॉब भी कर रहे थे, वो क्या चीज़ का जॉब कर रहे थे? ग्रुप डी था। आप ये बताइए कि मतलब ये देखिए कि ग्रुप डी की जॉब करते हुए और मतलब दरोगा भी बन गए हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये संदेश है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आप सभी से मतलब जो भी छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा को, उनको उन सभी से कहना चाहूँगा कि मतलब इसी प्रकार से ये जो मतलब बहुत बड़ा संदेश है, छोटा संदेश नहीं है, कि ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए और इस मुकाम तक पहुँचना और मतलब किसान परिवार से, ये बहुत बड़ा मतलब गर्व की बात है, और मतलब कहीं ना कहीं समाज में और परिवार में बहुत खुशी है, और मतलब ये बहुत बड़ा योगदान समाज के भी रहा है, और वहाँ भी हम तमाम ग्रामीण से भी बात किए थे और सभी के अंदर मतलब खुशी का ही मतलब माहौल है, और मतलब बात भी की और जाने भी हैं। ताई
खाली करबै ना हम ताला मार कर जेबै।